हाय माय लवलीज। सो बेकिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और आज मैंने बनाया है एक चॉकलेट एंड वेनिला मार्बल केक। तो इस केक की खास बात क्या है? इस केक की खास बात ये है कि इसमें चॉकलेट और वेनिला का फ्लेवर भी है, लेकिन दोनों अलग अलग दिखते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल और प्रिटी केक बनता है। हालांकि ये मेरा रस्टिक स्टाइल है, थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, बट यू कैन सी कि कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक है, कोई क्रम्स नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें मैंने आधा मैदा और आधा आटा यूज़ किया और कोई भी बटर यूज़ नहीं किया है, एगलेस भी है। तो हम स्टार्टिंग में लेंगे दही और चीनी, और उसको मैं क्या करती हूँ कि 10-15 मिनट के लिए ना रख देती हूँ, सो दैट कि वो अच्छे से चीनी मेल्ट हो जाए और दही के साथ प्रॉपर मिक्स हो जाए। आप विस्क भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ऑयल, कोई भी रेगुलर वेजिटेबल ऑयल या ऑलिव ऑयल डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, उसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मेरा बेटा मुझे थोड़ा हेल्प कर रहा है, उसको बहुत मज़ा आता है केक बनाने में। आई एम श्योर आप भी अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं बेकिंग में, इट विल बी वेरी वेरी नाइस एक्टिविटी फॉर देम। तो यहाँ पे हमारा आधा आटा है और आधा मैदा है, आप चाहो तो पूरा मैदा या पूरा आटा भी ले सकते हैं। आटे वाला केक थोड़ा सा हैवी बनता है ये वाला। उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी में हमने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाल दिया था। सारी मेजरमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, तो आप उसमें से देख सकते हैं। तो ये बैटर थोड़ा सा भी बहुत थिक है, तो इसमें मिल्क डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। मिल्क डालते ही, बैटर को मिक्स करते ही थोड़ा सा अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। आपने देखा कैसे बैटर एकदम स्मूथ हो गया। अब इस बैटर को हम आधे से थोड़ा सा कम बैटर अलग करेंगे और उसमें हम डालेंगे अपना कोको पाउडर। तो जैसे ही हम कोको पाउडर डालेंगे उसमें, तो वो अगेन थोड़ा सा थिक हो जाएगा, क्योंकि कोको डालने से उसका मॉइस्चर कम हो गया है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम 4-5 चम्मच मिल्क डालेंगे और फिर से उसको पतला करेंगे, अच्छे से कंसिस्टेंसी करेंगे। बहुत पतला नहीं करना है, अदरवाइज़ आपका मार्बल केक का इफ़ेक्ट आने में बहुत प्रॉब्लम होगी। बस इतना करना है कि वो अच्छे से स्मूथ हो जाए। तो जैसे हमने ये गुरमेर मिक्स कर रहा है, जैसे हमने उसको स्मूथ कर लिया, तो अब हमारे पास दोनों बैटर रेडी हो गया। तो एक केक टिन में हमने क्या किया कि वेनिला बैटर का पूरा बैटर डाल दिया, और उसके बाद हम ये वाला चॉकलेट केक का बैटर उसके ऊपर डालेंगे एंड देन वी विल मेक द मार्बल इफेक्ट। तो कोई भी आपको एक डंडी के जैसी गोल चीज़ लेनी है, जो आपकी स्पून रहती है, उससे हमें ऐसे ऐसे करके नहीं करना है, मार्बल इफेक्ट नहीं आएगा और बिल्कुल बेकार हो जाएगा अंदर से। तो कोई भी डंडी जो कि गोल हो, और उसके बाद उसको ऐसे मिक्स करना है, पर ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा नहीं करना है, अदरवाइज इफ़ेक्ट आने के बजाय दोनों बैटर्स मिक्स हो जाएंगे। तो इसका बेसिक ट्रिक ही यही है कि दोनों बैटर्स मिक्स नहीं होने चाहिए, बस इतने मिक्स होने चाहिए कि एक इफ़ेक्ट आ जाए। उसके बाद इसको हमने गार्निश किया है काजू से। आप कोई भी नट्स का मिक्सचर ले सकते हैं, बेक करिए, खाइए, इंजॉय करिए। ये केक बनाना बहुत इजी है। इसको कुकर में कैसे बना सकते हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ट्राई कर सकते हो इसको घर पे। बहुत ही अच्छा मार्बल इफ़ेक्ट आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, सो डू लाइक इट, शेयर इट, कमेंट करिए। अगर आप बनाते हैं तो डू शेयर इट विद मी।